चुनाव आयोग ने कल लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित किए, जिसमें बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। एक मिनट में उपचुनाव से जुड़े नतीजों और क्या समीकरण बने उसकी डिटेल्स देखिए। लोकसभा की 3 सीटों के उपचुनाव के नतीजे की बात करें तो बीजेपी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा धक्का दिया है। वहीं पंजाब के संगरूर सीट पर केजरीवाल की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि कुछ महीने पहले ही पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव ने रहुआ ने एसपी के धर्मेंद्र यादव को हराया है। रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने एसपी के असीम रजा पर जीत हासिल की है, तो पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह को पराजित किया। वहीं दिल्ली और 6 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो इसमें भी बीजेपी को अपने शासित राज्य त्रिपुरा में बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट से जहां आपके दुर्गेश पाठक ने जीत हासिल की है, वहीं झारखंड के मांडर सीट पर कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की ने कब्जा कर लिया है, तो आंध्र प्रदेश के आत्मा कुरु से वाईएसआर कांग्रेस के विक्रम रेड्डी चुनाव जीते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में जुबराज नगर से बीजेपी ने मलीना देवनाथ सुरमा से, स्वप्ना दास दाउन बारदोवाली से माणिक शाह को कामयाबी मिली है और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कांग्रेस के सुदीप राय बर्मन को जीत मिली है।